नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, जिन महिलाओं को शादी के कई साल बाद अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जबकि वो सारे तरीके आजमा करके देख चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में चार ऐसे खास तरीके बताने वाला हूँ जिनको अपनाने के बाद बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ये चारों टिप्स को शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टिप्स पसंद आएगी और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा मिले, जानकारी मिले। और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर वन है कि बेडरूम को चेंज कर दें या फिर ओवुलेशन के दिनों में कहीं बाहर चले जाएं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब इंसान दिन भर काम करके थका हुआ घर आता है और रात को जब वो बेड पे जाता है सोने के लिए, तो दिन भर की जो सारी टेंशन होती है, काम की या फिर घर की टेंशन हो या फिर लाइफ की टेंशन हो, चाहे उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई टेंशन होती है, चाहे वो हस्बैंड की टेंशन हो चाहे वो वाइफ की टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ जब रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो उनके माइंड में दिन भर की वो सारी बातें चल रही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, प्रेगनेंसी कंसीव कर लें, कितना भी ट्राई करें, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, और इसकी वजह से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर वो ओवुलेशन के टाइम पर बेडरूम को चेंज कर दें या फिर कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाएँ, तो क्या होता है कि उतने दिनों के लिए उनके माइंड में किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहेगी और वहाँ वो फ्रेश माइंड रहेंगे, और जब भी वो वहाँ पे ट्राई करेंगे तो उसका उन्हें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। टिप नंबर टू है अच्छी डाइट। दोस्तों, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक साफ़ सुथरी और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और अगर डाइट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप किसी डाइटिशियन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डाइट अच्छी लेंगे तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करना, तो ये चीज़ दोनों पे लागू होती है, हस्बैंड पे और वाइफ पे, कि दोनों की बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करे, दोनों के हार्मोन्स बैलेंस हों और सही तरीके से काम करें। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तभी आप जो है सफलता पा सकते हैं। और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाएंगे दोनों के ही, और उससे आपको फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। टिप नंबर थ्री, ओवुलेशन के दिनों में जब भी आप रिलेशनशिप में रहें, ट्राई करें कंसीव करने के लिए, तो कोशिश ये करें कि अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी माइंड फ्रेश रहता है इसमें, और जो हार्मोन्स होते हैं वो चरम सीमा पे होते हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको सफलता मिलने के। और इसके अलावा कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जल्दी सुबह ही आपको ट्राई करना है, उसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले तब भी ट्राई करिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तरफ से यही रहेगी कि आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और उसके बाद एक बार करीब जो है शाम में या रात में जैसे भी टाइम मिले तब ट्राई करें। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक दिन में कोशिश करें कि कम से कम दो बार ट्राई करें, और जिस दिन आप ट्राई करें उसके बाद कम से कम दो दिन का गैप कर दें, उसके बाद फिर तीसरे दिन दोबारा से ट्राई करें। तो इस तरीके से आपको दो दो दिन का गैप दे करके ट्राई करना है जब भी ट्राई करना है, और एक दिन में कम से कम आपको दो बार ज़रूर ट्राई करना है। टिप नंबर फोर है कि बिल्कुल भी आप लोगों को नशा नहीं करना है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को ही कह रहा हूँ। और होता क्या है कि लाइफ में जब टेंशन बढ़ती है तो लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, और जेंट्स अगर नशा करता है, स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी या धीरे धीरे नील भी हो सकती है। और इसके अलावा साथ ही साथ उसके जो लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो आना बिल्कुल धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा, क्योंकि नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, कार्बन जम जाता है। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी पहले ही आपको सफलता नहीं मिल रही है, और अगर आप ये गलती करेंगे तो चांसेस और भी ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर लेडीज़ नशा करती है, स्मोकिंग करती है या ड्रिंकिंग करती है, तो उनकी जो एग की क्वालिटी ख़राब होती चली जाती है, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग की क्वालिटी अच्छी हो। तो
तो यहाँ पे आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें कि चाहे कुछ भी हो, आपको नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो लोग शौकिया तौर पे करते भी हैं तो उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि ओवोल्यूशन के टाइम पे तो बिल्कुल भी नशा ना करें। तो दोस्तों ये है चार टिप्स, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और इसे एक बार ज़रूर फॉलो करें और जैसा भी रिजल्ट हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।